हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले रॉयल इनफील्ड सुपरनोवा 350 के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, विजुअली हम इसको मूव करा के देख रहे हैं। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड व्यू, ये बैक साइड व्यू, टॉप साइड व्यू। आज हम इसके डिटेल बारे में जानेंगे कि इसका इंजन कैसा है, फ्रंट व्हील क्या है, रियर व्हील क्या है, क्या डिफरेंट क्या है क्लासिक 350 में, और इसको अच्छे से जानेंगे बारीकी से। ऐसा जो है आपको सुपरनोवा मिलने को आ रही है। आप देख रहे हैं ये जो रॉयल इनफील्ड का लोगो लगा हुआ है, ये पिछली बाइकों से तो है थोड़ा स्टैंडर्ड बनाया है, देख सकते हैं आप। ये है इसका बैक साइड व्यू वाले हैं। ये मेट्योर 350 सुपरनोवा के इंजन के बारे में। बेसिकली इसका जो है 350 cc इंजन दिया है, जिसमें आपको 6100 rpm इसकी मैक्सिमम स्पीड है। जहाँ तक हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क जो है 4000 rpm इस इंजन का दिया हुआ है। और इसकी अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करें तो 20.2 bhp ये पावर प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें इसके इग्निशन टाइप की, तो इसमें हमको ECU कंट्रोलर मिल जा रहा है। इस बाइक के हम क्लच की बात करें तो इसमें हमको कन्वेक्शनल वेट क्लच लगा हुआ है। अगर हम गियर की बात करें तो इसमें कांस्टेंट मेस गियर का यूज़ किया गया है, जो इसकी परफॉर्मेंस को और बेटर बना रही है। अगर हम बात करें इसके फ्रेम डिज़ाइन की, तो इसमें हमको ट्विन डाउन ट्यूब स्विंग फ्रेम मिल जा रहा है, जिससे वाइब्रेशन जो है बहुत ही कम हो जा रहा है इस गाड़ी का। और हालांकि रॉयल इनफील्ड का क्लेम है कि ये ज़ीरो वाइब्रेशन की बाइक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट पाइप पे, जो पिछले की व्हीकलों में जो है कैटलेटिक कन्वर्टर जो है एग्जॉस्ट पाइप में ही यहाँ पर फीड हुआ करता था। इस चीज़ में ये चीज़ इम्प्रूव कर दिया है, क्योंकि कैटलेटिक कन्वर्टर आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। जो यहाँ था पिछली व्हीकलों में, वो अब यहाँ मिल जाएगा कैटलेटिक कन्वर्टर। पहले हम बात कर लेंगे इसके फ्रंट व्हील के शॉकर की। शॉकर हमको टेलीस्कोपिक शॉकर मिल जा रहा है, विथ 41 mm फॉर्क और 130 mm जो है ट्रैवल का एक शॉकर मिल जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथ शॉकर है। अब बात करने वाले हम इसके डिस्क की। डिस्क जो है हमको 300 mm का डिस्क मिल जा रहा है, विथ ट्विन पिस्टिंग फ्लोटिंग कैलिपर के साथ। टायर की साइज़ हमको मिल जाती है 100x90 mm की। ट्विन ट्यूब एमुलेशन शॉर्क ऑब्जर्वर विथ 6 एडजस्टेबल सेटिंग के साथ हमको जो है यहाँ पर रियर व्हील का शॉकर मिल जाएगा। बात करते हैं इसके डिस्क की। डिस्क जो है हमको 270 mm विथ सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ हमको डिस्क मिल जाएगा। बात करते हैं इसके रियर व्हील के टायर की, तो जो इसमें टायर यूज़ किया है वो सीएट का टायर यूज़ किया है, और टायर की साइज़ है 140x70 mm की। तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 15 लीटर की कैपेसिटी है इस फ्यूल टैंक की। 0.7 kW का जो है हमको यहाँ पर स्टार्टिंग मोटर मिल रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें इसके हॉर्न की, तो हॉर्न जो है हमको सिंगल टोन हॉर्न मिल जाएगा। इसके अलावा हमको एक चार्जिंग पोर्टल मिल जाता है, जो USB 2.0 टाइप ए 12 वोल्ट 5 एम्पियर आउटपुट के साथ। टाइप की दे दी है हमको, और हम इसको पुट करते हैं और इलेक्ट्रिकल फंक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ नया किया है रॉयल इनफील्ड ने इस व्हीकल में। यहाँ पर मिल जा रहा है, इस पर हमको पूरा सारी चीज़ें जो है रीडिंग हमको डिस्प्ले पे प्रिंट हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमको गियर शिफ्टिंग मिल जाएगी, फ्यूल सेंसर मिल जाएगा, एमुलेशन आपको इसमें जो है नेविगेशन सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मल फंक्शन की लाइट मिल जाएगी, बैटरी सिंबल मिल जाएगा, फ्यूल टैंक सेंसर मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसके अलावा हमको एक रेट्रो स्टाइल स्विच मिल जा रही है सभी जगह। ये हो गया, ये इग्निशन स्विच मिल गई है, रेट्रो स्टाइल स्विच है। जैसे इस तरह से हमारा इंजन स्टार्ट हो गया, हम इंजन की आवाज़ सुन सकते हैं कितनी प्यारी है। ये हमारी इंजन की आवाज़ हो गई है, आप बैक से इसकी लाइट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लाइट है। ये हम फ्रंट से देख रहे हैं इसकी लाइट, काफ़ी अच्छी लाइट है लग रहा है ये फ्रंट से। देख सकते हैं कि ये अलग तरह का बैकरेस्ट है, विथ लोगो जो है रॉयल इनफील्ड का लोगो मिल जाता है। और जो पिनियन बैठेगा
उसको काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा ये। इसके सीट डिज़ाइनिंग की तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और कितना स्टाइलिश बनाया है इसका सीट। ये सिर्फ आपको जो है सुपरनोवा में ही मिलेगा। देख सकते हैं आप सीट पे भी लोगो रॉयल इनफील्ड का दिख रहा है। ये रही कुछ डिटेल रॉयल इनफील्ड की सुपरनोवा 350 ब्लू कलर की। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये बाइक कैसी लगी। थैंक यू।